हेलो दोस्तों, मैं इंद्रजय सिंह राजपूत। आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 17 की, धारा 17 की। इसके पहले भी हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं लिमिटेशन पे, आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं जाके, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 17 की, भूल या कपट का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि भाई कपट क्या होता है। तो कपट एक ऐसा कृत्य होता है जिसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, ठीक है। उसमें भाई हम प्रवंचना भी करते हैं, डिसीव भी करते हैं किसी व्यक्ति को, ठीक है। अब आती है भूल। भूल क्या होती है? तो भूल एक भ्रम होता है भाई। हम जब किसी फैक्ट को मान के चलते हैं, वो फैक्ट रियलिटी में एग्जिस्टेंस में होता ही नहीं है। कोई तथ्य जो वास्तविक रूप में अस्तित्व में होता ही नहीं है, उसको बोला जाता है भाई भूल, ठीक है। अब चलो हम लोग बात करते हैं सेक्शन 17 की। तो सेक्शन 17 कहाँ लागू होती है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो सेक्शन 17 वाद एवं आवेदन पर लागू होती है, ये सूट एंड एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है, ये चार चीज़ें बताई गई हैं, ए बी सी और डी। इन चार चीज़ों के संबंध में भूल के तहत लिमिटेशन में हमें छूट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है, वाद या आवेदन प्रतिवादी, प्रत्यार्थी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित है। तो ये फ्रॉड पर आधारित होता है, किसके? डिफेंडेंट, ठीक है, रिस्पोंडेंट और उसके एजेंट के फ्रॉड पर आधारित होता है, पहला ग्राउंड है, ठीक है। बी, सेकंड ग्राउंड, उस अधिकार या हक का ज्ञान जिस पर वाद या आवेदन आधारित है, ठीक है, किसी पूर्वोक्त व्यक्ति के कपट द्वारा छिपाया गया है, ठीक है। पूर्वोक्त व्यक्ति मतलब जो इसके पहले वाले एक क्लॉज में हम लोग बात कर चुके हैं ना, डिफेंडेंट, रेस्पोंडेंट, एजेंट, ठीक है, एजेंट के उस पर अपन जो के संबंध में लागू होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कपट द्वारा छिपाया गया है तब भी लागू होता है। अब हम लोग बात करते हैं सी, वाद या आवेदन किसी भूल के परिणाम से मुक्ति के लिए है। तो भैया भूल के परिणाम से, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक से बचने के लिए जो होता है वाद उसमें, ठीक है। और डी फोर्थ नंबर है, ठीक है, वादी या आवेदक के किसी वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिए जो दस्तावेज जरूरी है वो किसी व्यक्ति से छिपाई गई है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट क्या कर ली गई है, छिपा ली गई है किसी व्यक्ति से, तब भी ये कपट या भूल के प्रभाव जैसा माना जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, अब कैसे? तो परिसीमा का चलना, मतलब जो चार कंडीशन हमने बता दी हैं ए बी सी डी, इनमें परिसीमा का चलना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, रुका रहेगा। और जैसे ही आपके नॉलेज में आती है कोई कपट या भूल, ठीक है, या आपको सम्यक प्रयास करने से आप यदि कोशिश करते हो तो भूल, ठीक है, या कपट, ठीक है, मिस्टेक या फ्रॉड पता चल सकता है, तब लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दस्तावेज की दशा में, जब दस्तावेज किसी व्यक्ति से छिपा ली गई है, कोई डॉक्यूमेंट जो है किसी व्यक्ति से छिपा ली गई है, ठीक है, उस दशा में लिमिटेशन कब से चलना स्टार्ट होगा, अभी रुका रहेगा, ठीक है। जैसे ही आपके नॉलेज में आ जाएगा डॉक्यूमेंट, आपको पता चल जाती है किसी द्वारा छिपाई गई है, या आपके पास ऐसे साधन आ जाते हैं जिनसे आप उस डॉक्यूमेंट को प्रकट करा सकते हो, न्यायालय में पेश करा सकते हो, न्यायालय में उसको पेश करने के लिए बाध्य कर सकते हो, तब लिमिटेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यार ये तो हम लोग बात कर चुके हैं भाई। अब इसके बाद यहाँ प्रोविजो आया है कि ये जो कपट या भूल का प्रभाव किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 17 के सब क्लॉज 1 के प्रोविजो के, परंतु के, ठीक है। परंतु ये बोलता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों पर, ठीक है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर मतलब इस धारा की कोई बात लागू नहीं होगी। कब नहीं होगी? संपत्ति के, प्रॉपर्टी के रिकवरी के सूट में, ठीक है, संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए, कोई भार प्रवर्तित कराने के लिए, एनफोर्स एनी चार्ज, ठीक है, या क्या है, किसी संव्यवहार को, किसी ट्रांजैक्शन को सेटिसाइड कराने के बाद पे लागू नहीं होगी, ठीक है। अब ये किन बातों पे लागू नहीं होगी, ये नीचे बताया गया है। फ्रॉड के मामले में यदि किसी व्यक्ति ने मूल्यवान प्रतिफलन, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी क्रय कर ली है और उसका कपट में कोई हाथ नहीं था, तो उसके ट्रांजैक्शन को अपास कराने वाली नहीं समझी जाएगी, ठीक है। सेकंड, भूल के मामले में जिसको भैया भूल के संबंध में कोई जानकारी ना हो और भूल में उसका कोई हाथ भी ना हो, उसके बारे में उसको ऐसा विश्वास करने का कारण भी ना हो कि कोई भूल की गई है, ठीक है, और फिर वह अधिकार अर्जित कर लेता है, मतलब प्रॉपर्टी क्रय कर लेता है, तो उस संव्यवहार को अपास करने, रिकवरी कराने या चार्ज प्रवर्तित कराने के मामले में लागू नहीं होगी, ठीक है। और लास्ट, यदि दस्तावेज छिपाई गई है, जिस व्यक्ति का दस्तावेज छिपाने में कोई हाथ नहीं था, ठीक है, और बाद में वो
प्रॉपर्टी उसने मूल्यवान परचेस कर लिए, साफ प्रतिफल विथ कंसीडरेशन उसने क्या कर लिए, परचेस कर लिए, खरीद ली है, तो उस मामले में भी, और जिसको भैया ऐसी कोई छिपाई गई दस्तावेज की कोई दस्तावेज छिपाई गई है, कोई डॉक्यूमेंट उससे छिपाया गया है, ऐसा कुछ उसको जानकारी में भी ना हो, उस मामले में लागू नहीं होगी। मतलब ये है कि सेक्शन 17 उन मामलों में लागू नहीं होती है जिस व्यक्ति का कपट करने में, मिस्टेक करने में या दस्तावेज छिपाने में यदि कोई हाथ नहीं है और उसने यदि साफ प्रतिफल विथ कंसीडरेशन, ठीक है, विथआउट नोटिस, और जिसका भाई कोई हाथ भी नहीं है, यदि उसने वो प्रॉपर्टी में कोई अधिकार अर्जित कर लिया है, उसको यदि परचेस कर लिया है, तो फ्रॉड वाली सेक्शन उस पर लागू नहीं होगी। किन किन बातों में लागू नहीं होगी, रिकवरी ऑफ पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए, किसी चार्ज को प्रवर्तित कराने के लिए, ठीक है, इनफोर्स एनी चार्ज, ठीक है, और लास्ट आता है किसी ट्रांजैक्शन को अपास कराने के लिए, किसी संव्यवहार को अपास कराने के लिए, सेट असाइड के मामलों में भी लागू नहीं होगी। हैं सेक्शन 17 की क्लॉज 2 की, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ने डिक्री प्राप्त कर ली है, ठीक है, मतलब निर्णित ऋणी के अगेंस्ट कोई डिक्री प्राप्त कर ली है, कोई जजमेंट प्राप्त कर लिया है, ठीक है, और जो निर्णित ऋणी है, जजमेंट डेटर है, उसने बल या कपट के प्रभाव द्वारा डिक्री का निष्पादन रोक दिया है, उसने फोर्स या फ्रॉड द्वारा, ठीक है, डिक्री का एग्जीक्यूशन रोक दिया है, प्रिवेंट कर दिया है, निवारित कर दिया है, तो उसके विरुद्ध यदि जजमेंट क्रेडिटर, इसको हम लोग डिक्री होल्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है, निर्णित लेनदार यदि कोई आवेदन लगाता है, तो न्यायालय परिसीमा काल बढ़ा सकेगा, ठीक है, यदि ये निष्पादन के संबंध में लागू होता है क्लॉज 2, ठीक है, इसमें भी एक प्रोविजो बताया गया है, प्रोविजो में बताया गया है कि ऐसे कपट या बल के प्रभाव प्रयोग का बंद होने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर ऐसा आवेदन करना होगा, ठीक है, यदि फ्रॉड या फोर्स, ठीक है, बंद हो जाता है, रुक जाता है, स्टे हो जाता है, तो उसके आपको 1 वर्ष के भीतर क्या फाइल करना होगा, आवेदन फाइल करना होगा, किस चीज़ का आवेदन, कि डिक्री के निष्पादन का जो ड्यूरेशन है, समय, वो बढ़ा दिया जाए, उसकी लिमिटेशन को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। चलो भैया आज की आप क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आज का क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 17 कहाँ लागू होती है। थैंक यू, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करें।